ये है कॉम्प्रेसिबिलिटी टेस्ट। और कॉम्प्रेसिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमने 3 से 4 चीज़ें ली। सबसे पहले हमने सॉलिड के तौर पर ये हमने चीनी ली है, जिसे हम सुगर कहते हैं, सुगर क्रिस्टल हमने लिया है। लिक्विड के तौर पर हमने वाटर लिया है, और गैस तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट ही है। साथ में हमने एक सिरिंज ली हुई है, और इस सिरिंज के माध्यम से आज हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इस सिरिंज में हमने सॉलिड के क्रिस्टल ऑलरेडी फिल कर रखे हैं, अब हम इसे प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो प्रेस करते हैं और देखते हैं कि सॉलिड के क्रिस्टल जरा सा भी नहीं हिलते, यानी इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत ही कम है। अब हम इसे निकालेंगे और इसकी जगह अब हम लिक्विड को फिल करेंगे। अब हम इसमें लिक्विड भरेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें लिक्विड ऑलरेडी भर रखा है। यहाँ पर हमने फिंगर टिप लगाया और अब इसे प्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे ये जरा सा हिलेगा। आपको फिर से दिखाने की प्रयास करें। तो देखेंगे कि ये जरा सा कॉम्प्रेस तो होगा ही होगा, यानी इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी सॉलिड की तुलना में ज्यादा है। अब हम गैसेस की अगर बात करें, तो एयर में हमारे गैस ऑलरेडी है, तो हमने ये गैस इसके अंदर भर ली। और अब हम इस पर सॉलिबिलिटी टेस्ट के लिए प्रेशर लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिस्टन बहुत आगे मुड़ रहा है, बहुत आगे तक जा रहा है, यानी इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। यानी सबसे ज्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी गैसेस की, फिर लिक्विड की, और फिर सॉलिड की होती है। थैंक यू।